वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर सौदर। आप देख रहे हैं डॉक्टर सैयद सौदर से हॉस्पिटल चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको पैलेट की पेशेंट के मुताबिक बताया था, अब हमने सोचा कि हम उसकी वर्किंग आपसे शेयर कराएं। लास्ट क्लच है, एंड का सीजन है, तो डेफिनेटली एंड के सीजन में वो परफॉर्मेंस नहीं आती जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लच में होती है। फोर्थ और फिफ्थ क्लच चल रहा है, फिफ्थ का थर्ड क्लच भी है, तो हमने सोचा है कुछ शेयरिंग करा दें आपके साथ बच्चों। जैसा कि हमने जो है ना ये एक पेयर बनाया था पैलेट का सीजन के स्टार्ट के अंदर, हमने शायद दिखाया भी था, जिसके अंदर हमारा ये ग्रीन पैलेट स्प्लिट ब्लू का मेल था। ये आप देखें, ये ग्रीन पैलेट स्प्लिट पार ब्लू का मेल था जिसको हमने पेयर अप किया था अपनी स्लेटी पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल से। ये स्लेटी पार ब्लू ऑफलाइन की जूविंग की फीमेल थी जिससे हमने इसको पेयर अप किया। और अब जो रिजल्ट आया, कुछ बच्चे हमने इसके एक तो आगे पीछे किए थे, कुछ बच्चे इसके नीचे छोड़े गए थे। एक इसमें ये बच्चा निकाला है जूविंग, ये जरा इसको मार रही है, बड़ा हो गया है। ग्रीन जूविंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट, और ये इसकी तेल की रंग से लग रहा है ये स्लेटी भी हो सकता है। अच्छा जी, दूसरा बच्चा इसमें जिससे हमें ये शक है कि ये स्लेटी जूविंग पैलेट निकाला है। ये देखें जी, ये इसमें निकाला है स्लेटी जूविंग पैलेट। ठीक है जी। अच्छा, और इसमें सेकंड क्लच के बच्चे भी नहीं, इसका एक ही क्लच है, फाइनल आखिरी क्लच है। अच्छा जी, इसके नीचे जो है ये हमने जोड़ा लगाया था, ये हम दिखाते हैं, ये भी हमारा ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू पैलेट है। ठीक है जी, ये हमारा ग्रीन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू पैलेट है, और इसको जो हमने फीमेल दी थी वो भी हम आपसे शेयर कराते हैं। ये हमने इसको फीमेल दी थी, ये फीमेल थी मोव जूविंग ऑफलाइन, बहुत अच्छा करने लगी है फीमेल। ये फीमेल थी मोव जूविंग ऑफलाइन। ठीक है, ये फीमेल हमने इसको दी। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसके एक क्लच के बच्चे जो है वो तैयार है। इसमें जो सबसे अच्छा बच्चा निकाला जो कि डेफिनेटली फीमेल है, वो निकाला है वायलट पैलेट। ठीक है जी, ये वायलट पैलेट। दूसरा जिसने बच्चा निकाला है वो निकाला है वायलट, ये मेल है, वो फीमेल होगी, ये मेल है, ये वायलट पिछली इसने स्प्लिट पैलेट स्प्लिट ऑफलाइन मेल निकाला। तीसरा इसमें जो बच्चा निकाला है वो वायलेट ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट निकाला। ये देखिए, वायलेट ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट। ठीक है जी, ये तीन बच्चे आ गए। अब इसने उसके बाद भी जो है दो बच्चे और निकाल लिए जो दोनों पैलेट हैं, और ये थोड़ा सा इसने प्लक किया है। अब ये दोनों बच्चे भी, ये दोनों बच्चे, इसमें ये जूविंग बच्चा लग रहा है और ये नॉर्मल है, ये दोनों बच्चे पहले हैं। पहले एक बच्चे को देख लेते हैं, ये इसका हुड देखें आप, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हुड निकाला है। अब इसकी कलर मार्किंग देखें, ये फीमेल बच्चा है जूविंग में, कलर मार्किंग देखें बहुत डार्क आई है, टेल की मार्किंग भी देख सकते हैं आप, बहुत डार्क आई है। देखें ये इसके चेस्ट का कलर देख सकते हैं, जूविंग होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम येलो जर्दई कलर है। ठीक है जी, तो और हुड भी इसका जो है ना पूरा ऑरेंज है, फीमेल है ये, लेकिन बहुत अच्छे क्लास के अंदर आई है। अच्छा, ये दूसरी भी फीमेल होगी डेफिनेटली, क्योंकि मेल पैलेट है और फीमेल जो है ना वो ऑफलाइन है। ये भी पूरे ऑरेंज हुड के अंदर आई है फीमेल, और ये भी डार्क मार्किंग के अंदर आई है। ये आप देखें कितनी डार्क मार्किंग है पैलेट। देश के कल के बच्चे आए अलहमदिल्ला। इसके बाद हमारे पास एक जोड़ा जो है हमने यहाँ लगा रखा था, जिसके अंदर हमारे पास पार ब्लू स्प्लिट पैलेट का मेल था। ये हमारा मेल था पार ब्लू स्प्लिट पैलेट, ये हमारा मेल था,
और ये SF मिस्टी भी था, ठीक है जी। और ये हमने इससे फीमेल डाली थी स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पार ब्लू और विजुअल पैलेट की फीमेल। ये आपने फीमेल फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ये मेरी बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत फीमेल है, इसने बहुत अच्छी ब्रीड दी है इस साल। ये आप देखें, ये पैलेट की फीमेल। अच्छा, अब हम आपसे इसकी जो ग्रोथ आई है बच्चों की वो शेयर कराता है। इसने माशाल्लाह से एक बच्चा पार्वली निकाला है जो स्प्लिट पैलेट है और अच्छा मिस्ट्री भी है, ठीक है जी। अब ये मेल है फीमेल है ये मुझे पता चलेगा। दूसरा बच्चा इसने ब्लू निकाला है जो SF मिस्ट्री भी है और अगर मेल हुआ तो स्प्लिट पैलेट भी होगा। और तीसरा बच्चा इसने थोड़ा खूबसूरत निकाला है पैलेट, ये देखें माशाल्लाह, ये पैलेट की मार्किंग चेक कीजिए। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसरार किया था कि आप अपनी बर्ड की मार्किंग और बर्ड की शेयर कराएं, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो शेयर कराई जाए और ये लोग मार्किंग देखें। ये देखें, ये पैलेट की मार्किंग, ये मार्किंग होती है पैलेट की जो आप आसानी से वीडियो में देख सकते हैं। ये पैलेट की मार्किंग, ठीक है जी, ये पैलेट की मार्किंग। ये इसके माशाल्लाह तीन बच्चे हैं लास्ट कलर के। अच्छा जी, और इसके बच्चे सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या है, यहाँ भी जो है बच्चे आए हुए हैं। ये मेरी सबसे पुरानी ब्रीडर फीमेल है और इसमें भी माशाल्लाह दो बच्चे निकाले हुए हैं, एक ब्लू है स्प्लिट पैलेट और एक ये पैलेट मेल होगा या फीमेल होगी, हो सकता है मेल हो, वो भी मेल हो सकता है जो पहला पैलेट बच्चा था, ये तो DNA के बाद पता चलेगा, ठीक है जी। इसे दो बच्चे निकाला है, एक बच्चा इसका, एक बच्चा ये निकाला है इसने ग्रीन, और ये माँ बाप में मेल स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू है, स्प्लिट पैलेट है और फीमेल पैलेट है। अच्छा जी, ये मैंने एक दफ़ा पेयरिंग की और इसका जो है रिजल्ट आया, ये अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाला है। ये है मेरी चैम्पियन की हैन है और मेरा पैलेट कॉक था स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, तो इसमें पैलेट हैन निकाली है और ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट और पॉसिबल स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू कॉक निकाला है। ये इसके दो बच्चे आए, ये पहला ही जो है ना इसका वो है गलत है और इसमें आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा गल दिया। मैं इसके पेरेंट भी शेयर कराता हूँ आपको। ये मेल है ग्रीन पैलेट स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, हाँ कर रहा है ये ग्रीन पैलेट स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, ठीक है जी। और फीमेल भी आपको दिखाता हूँ, ये मेरी फीमेल है, ये मेरी चैम्पियन हैन की बेटी है। मैंने इस दफ़ा सोचा है कि ज़रा लाइन को और बेहतर किया जाए। ये मेरी चैम्पियन हैन की बेटी है जो मैंने पहले से डाली है, ये अक्सर ऑरेंज टेल होती है, तो मैंने कहा ज़रा और अच्छा क्लास डेवलप होगी, देख रहे हैं इसकी टेल मार्किंग कितनी ज़बरदस्त है। तो ये हैन मैंने डाली, ये हैन मैंने इस दफ़ा स्किल्स का फर्स्ट कलर है, तो इंशाल्लाह इससे बड़े अच्छे मुझे और ही मैंने हैने डाली है। अच्छा जी, अब आप जहाँ आते हैं तो यहाँ पर इसका जो है ये ब्लू की हैन है, पैलेट की, ये पैलेट की ब्लू की हैन, ठीक है जी। ये मेरी ब्रीडर है ना माशाल्लाह, ये आप चेक कर सकते हैं, ये ब्लू पैलेट, ठीक है जी, ये ब्लू पैलेट की है ना। और इसके साथ जो मैंने कॉक डाला हुआ है वो स्प्लिट पैलेट है। ये एक पहले कलर का एक बच्चा था, थोड़ा सा कमज़ोर था तो मैंने साथ छोड़ दिया था, तालिबन ये मेल लग रहा है ये ब्लू पैलेट का, और ये बच्चा मैंने छोड़ दिया था, अब हेल्दी हो गया माशाल्लाह, बहुत खुश रहा। और एक जोड़ा ये भी हमने लगाया है, इसको ब्रीडिंग से रेस्ट आ गया है, इसमें ही पैलेट की फीमेल है, ये ग्रीन पैलेट की फीमेल है, थोड़ा मार्किंग मुलाजा फरमाइए, ये देखें ये ग्रीन पैलेट की फीमेल है,
अभी रेस्ट पे आ गई है। ये देखिए ये ग्रीन कलर की फीमेल और ग्रीन स्प्लिट, ये दोनों स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू है। और इसमें जो मेल डला हुआ है वो ग्रीन फिशर है और स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू है और स्प्लिट पैलेट है, ये मेल डला हुआ है। अच्छा जी, ऊपर मेरा सबसे मनपसंद जोड़ा है जिसने मेरी पास बहुत अच्छी ब्रीड कराई है, वो मैं आपको लाजमी शेयर कराऊंगा। और वो जरा सी फीमेल थोड़ी सी नाराज रहती है अक्सर, अक्सर गुस्सा करती है, इसको मुझे अलग निकालना पड़ता है। ये मेरी ब्लू पैलेट की फीमेल है ब्रीडर और माशाल्लाह दो बच्चे इसके पहले कलर के हैं, दोनों मेल है, डीएनए हो गए और इसके पैलेट है। और इसने माशाल्लाह से अभी भी दो तीन बच्चे निकाले हुए हैं जो ब्लू भी हैं और पार ब्लू भी हैं, और एक बच्चा जो ये हर कलर में पार ब्लू पैलेट देती है वो इसमें एक बच्चा थोड़ा सा प्लक कर रखा है, आखिरी कलर चल रहा है। ये स्प्लिट ये पार ब्लू पैलेट इसने बच्चा निकाला है माशाल्लाह, ये देखें ये बहुत कलरफुल बच्चा निकालती है और लग रहा है मेल होगा या अक्सर मेल निकालती है। तो ये पार ब्लू पैलेट, ये थी हमारी जो है ना जो पेयरिंग आज जोड़ों की है। अब हम आगे भी जो पेयर लगे हैं वो भी शेयर कराते हैं। चले गो जी नाज़रीन, तो ये हमारा ब्लू स्प्लिट पैलेट का बहुत प्यारा मेल है जिसका भाई ब्लू नीचे लगा हुआ है, ये उसी बड़ी ब्लू पैलेट फीमेल का बेटा है। ठीक है जी, ये स्प्लिट पैलेट है, इसमें माशाल्लाह मेरे पास मैंने ग्रीन पैलेट की फीमेल दी थी तो इसने तीन बच्चे निकाले जिसमें से एक बच्चा ग्रीन निकाला है और दो बच्चे ब्लू। मादा प्लक कर रही थी, मैंने अलग कर दिए बच्चों को, माँ को अलग कर दिया। अब माशाल्लाह ये बच्चे काफ़ी भर गए, लेकिन इनकी मार्किंग आप चेक कीजिए, ये देखिए इनकी मार्किंग, ये ग्रीन पैलेट स्प्लिट ब्लू। ठीक है जी, दूसरे बच्चे की मार्किंग दिखाता हूँ आपको और उम्मीद है डीएनए के बाद ये दोनों ही मेल निकलेंगे, क्योंकि इनकी मार्किंग की डार्कनेस बता रही है तो ये दोनों मेल होंगे। ये देखिए ये पहले, ठीक है जी, एक बच्चा ग्रीन निकाला है। इसी तरीके से एक पेयर यहाँ लगाया था जिसके अंदर मैं पहले भी दिखा चुका हूँ ब्लू पैलेट का मेल और वाले बन को दे रहा हूँ, ये ब्लू पैलेट का मेल है, कोबाल्ट समझ लें आप, यही बड़ी फीमेल का बेटा है। ठीक है जी, इसको मैंने जो पार ब्लू अपनाइन की फीमेल दी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल दी है, ये मैं छोड़ देता हूँ, ये पार ब्लू ऑफलाइन की फीमेल यूविंग की दी थी, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन। और जो इसके बच्चे आए हैं वो भी देखने से ताल्लुक रखता है माशाल्लाह, और दोनों बच्चे पहले फीमेल आएंगे और बहुत खूबसूरत आएंगे। और ये देखें ये दोनों पहले फीमेल आएंगे, ये फीमेल आई है और दूसरी पहले ये फीमेल आई है अलहम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, और पांच अंडे से दोबारा दे दिए, चले जी। अच्छा जी, दो जोड़े ही हो गए, एक जोड़ा यहाँ भी लगा हुआ है, इसके भी बच्चे सारे स्प्लिट आए हैं और वो विजुअल पैलेट फीमेल है, इससे स्प्लिट नहीं है, पेयर अप करके ये मेरी फीमेल है और ये पिछले साल की पट्टी है, ये इसका हुड वुड चेक कर लें माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फीमेल है। और इससे मैंने इस साल काफ़ी स्प्लिट बनाए, अगले साल इनको विजुअल में डालूंगा। ये एक अलग लाइन मैंने प्रोड्यूस की है, तीन चार बच्चे इसके स्प्लिट खड़े हुए, एक पैलेट का स्प्लिट मेल यहाँ भी खड़ा हुआ है, इससे ही मैंने रिजल्ट लिया है। अब इसको भी जो है ना पैलेट की फीमेल दूंगा और एक पैलेट जो है वो गालिबन यहाँ, ये एक स्प्लिट, ये ब्लू स्प्लिट पैलेट मेल है माशाल्लाह, इसी बड़ी फीमेल का बेटा, साइज चेक करें, बहुत ज़बरदस्त मेल है अलहम्दुलिल्लाह।
और इसके साथ मैंने ये फीमेल डाली है दूसरी लाइन की ताकि रिजल्ट इसका आउटक्रॉस किया जाए। ये इससे पहले फीमेल दी है, ये बहुत अच्छे साइज की है, ये मेरे साइजों का जरा अप लेवल के साइज के बर्ड है। ये पहले फीमेल मैंने इससे डाली है और इसमें से ही मेरे पास जो है ना कुछ बच्चे आए, मैंने ट्रांसफर किए हैं, एक बच्चा इसके नीचे यही घूम रहा है। ये देखते हैं आपका बॉडी लैंग्वेज और साइज देखो, ये जरा साइज थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की है, तो इस बच्चे का साइज चेक करें माशाल्लाह, थोड़ा सा लाइन पे काम किया, थोड़ा साइज डेवलपमेंट पे, तो अब ये साइज थोड़े से बड़े हो। इस तरीके से एक बच्चा यहाँ मास्टर कर दिया था, वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये इसके नीचे पल रहा है, ये भी इन्हीं का भाई है, इसका भी साइज डेवलपमेंट अच्छी है। एक दो बच्चे इससे और भी कई जगह पर चल रहे हैं, ये देखें इसका भी साइज आप चेक करें और कलर मार्किंग चेक करें, हो सकता है मेल हो, ये भी उसकी जोड़े का है और इसका भी साइज डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि और अब हम उसका डालेंगे तो बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, इस तरीके से जो है ये मेरी पार्क ब्लू पैलेट की फीमेल है, जिसको हमने स्प्लिट पार्क ब्लू और ब्लू स्प्लिट पैलेट मेल डाला हुआ है और ये पिछले साल पहले कलर की एंट्री जो है पहले पार्क ब्लू, ठीक है जी। इसमें एक दफ़ा अभी बच्चा निकाला है, तो बच्चे उसके आगे ट्रांसफर भी किए और एक बच्चा ये प्लग कर रही थी तो मैंने बच्चों को आगे ट्रांसफर कर दिया, ये प्लगिंग कर रही है, अब आखिरी कलर है, मैंने कहा चलो इनके इनके बच्चे पलवा लूँ, लेकिन ये प्लग कर रही है। चलें जी, अब इस तरफ आएंगे तो ये मेरा स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू स्प्लिट पैलेट का मेल है और ये मेरा ग्रीन फिशर, इसका साइज चेक करें, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, ये मेल है और इसको मैंने अपनी पार ब्लू की फीमेल दी है और इस साल कोई खाते का रिजल्ट इसका नहीं आया, माता में बहुत अच्छे रिजल्ट थे, अगले साल उम्मीद है कि इससे और अच्छे रिजल्ट आएंगे। यंग फीमेल है, देख रहे हैं अभी भी लेइंग कर रही है, ये मेरी पार ब्लू पैलेट की फीमेल है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी तरफ बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, दूसरी तरफ मेरे पास ऑफलाइन की फीमेल के साथ वायलेट ऑफलाइन की फीमेल के साथ मैंने पार ब्लू स्प्लिट पैलेट का मेल दिया, तो इससे मुझे बड़े अच्छे आउटकम आए, माशाल्लाह ये दोनों भाई हैं, जो ऊपर वाला मेल है नीचे वाला मेल है, ये स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट पार ब्लू का मेल था जो मैंने कल यूज किया और इससे जो रिजल्ट आया वो भी आपको शेयर कराता हूँ। इसमें से जो सबसे अच्छा बच्चा मुझे आया, और बहुत सारे बच्चे तो आए स्प्लिट स्प्लिट ये, लेकिन जो सबसे अच्छा बच्चा आया वो मुझे ये पैलेट पार ब्लू पैलेट ऑफलाइन आया जूबिंग के अंदर। अब जैसे जैसे मोल्ड कर रहा है, अपना कलर बना रहा है, तो आपको और ब्यूटीफुल लगेगा इंशाल्लाह। तो ये देखें पार ब्लू ऑफलाइन पैलेट, कलर मार्किंग आपको लगा रही होगी, ब्लूइंग है, ऑरेंज टेल है और ऑरेंज होते मोल्ड में आ रहा है। अब इसमें जो तीन बच्चे और निकाले हैं उनमें एक दो बच्चे जाहिर हुए हैं, तो सिर्फ ये बच्चा जाहिर हुआ है, ये बच्चा ऑफलाइन निकला, अगर ये मेल होगा तो पॉसिबल स्प्लिट पैलेट होगा। इस तरीके से एक बच्चा इसका और निकला है, वो पार ब्लू यूविंग है, अगर ये मेल होगा तो पॉसिबल स्प्लिट पैलेट और स्प्लिट ऑफलाइन होगा। तो बारह चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारा एक पैलेट ग्रीन पैलेट स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, ये भी मेल तैयार हुआ था पिछले साल, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमने अपनी ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल से दिया है जो हमारी चैंपियन लाइन की फीमेल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी जो ना हमें बहुत अच्छे स्प्लिट दिए, इस मदद से डाला है, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह दो पहले कलक में स्प्लिट आए हैं, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट,
और पॉसिबल स्प्लिट पार्क ब्लू। एंड के सीजन के बच्चे हैं तो थोड़े कलर वलर इनके अजीब से हो रहे हैं, मोल्ड करके सेट हो जाएंगे। ये दो बच्चे हैं, एक बच्चा इन्होंने और निकाल दिया जाते जाते, वो बॉक्स में ही बहुत छोटा है, ये छोटा बच्चा है। ठीक है जी, चले जी। अच्छा इस तरफ आते हैं तो एक जो है इसको भी है ना हमने जो है ब्लू की मादा दी थी, तो इससे भी जो है ना हमने एक ब्लू का स्प्लिट है ये, और ब्लू पैलेट बच्चा, ब्लू स्प्लिट पैलेट मेल आ गया है हाथ, अगर डीएनए एन कराया तो। एक फीमेल मेल यहाँ पर भी है, वही मैं दिखाता हूँ आपको। ये सारे मेल जो है लास्ट ईयर के आखिरी कलच के थे जो तैयार हुए थे, अब इन्होंने आखिरी कलच में जाके ब्रीडिंग परफॉर्मेंस दी है। अब इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप जो है ये अब चेंज करूँगा। इसको भी ऑफलाइन की फीमेल दी थी मैंने, ग्रीन ऑफलाइन अपनी, जो अपनी टॉप लाइन की फीमेल थी, और इससे ही मेरे पास स्प्लिट आया है, वही मैं आपको शेयर करता हूँ। ये बच्चा स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पैलेट आया। चले जी आगे चलते हैं। ये मेरा पार ब्लू पैलेट का मेल है, तो पिछले लास्ट कलच का था, और माशाल्लाह इस कलच में इसने जो है ना परफॉर्मेंस दी। पहले कलच में इसके तीन बच्चे आए, वहाँ खड़े मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरे कलच में इसका एक बच्चा आया। आखिरी कलच था, मौसम बहुत फ्लक्चुएल कर रहा था, ये अगर मेल हुआ तो मेल ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि ऑफलाइन की फीमेल है, और ये वायलेट ग्रीन है स्प्लिट पैलेट स्प्लिट ऑफलाइन, और ये मैंने वायलेट ग्रीन फीमेल इसके साथ लगाई थी। बस लगाई क्या थी, ये किसी के सेट नहीं हो रहा था, मैंने ये फीमेल ट्राई करी ओलिव ग्रीन, ये ओलिव ग्रीन फीमेल स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू थी, ये फटाफट सेट हो गई, और डार्क थी, मैंने कहा चलो अगर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो मसाला अच्छे अच्छे रिजल्ट आ गए। आए मैं इनके बच्चे दिखाता हूँ। ये अलहमदिल्ला कुछ स्प्लिट पैलेट और पैलेट के बच्चे हमने होल्ड किए हैं, कुछ मेल है मैं आपको दिखाना पसंद करूँगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये तीन बच्चे मैंने ग्रीन पैलेट के होल्ड किए थे, इनमें से दो फीमेल है शायद एक मेल है, एक ये ग्रीन पैलेट मेल है, देखें मार्किंग इसकी। ठीक है जी, इसके पार ब्लू और ब्लू, एक ये उसी में, एक ये ओलिव ग्रीन अगर मेल हुआ तो पहले देख रहे होंगे आप मार्किंग। एक बच्चा और है वो तालिबान यूविंग में है शायद, या यूविंग में नहीं है, वो उसी जोड़े की पक्षी है जो मैंने आपको पार ब्लू का मेल दिखाया था, बिल्कुल उसी की पक्षी है, ओलिव ग्रीन है। ये देखो ये बहुत अच्छी कलर मार्किंग के अंदर आई है ओलिव ग्रीन, अभी मोल्ड कर रही है, मोल्ड करके और बेहतर हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है जी, ये ग्रीन पैलेट। अच्छा इस तरीके से ये एक बच्चा ये स्लेटी में यूविंग है, जो मैंने आपको स्लेटी ऑफलाइन मादा दिखाई थी, पार ब्लू स्लेटी ऑफलाइन और पैलेट, तो बुरी तरीके से मोल्ड में आया था, बल्ड का हाल बहुत बुरा है, बारह फ्री मैंने कहा पहले आपको दिखा दूँ ये स्लेटी पैलेट। ठीक है जी, ये देख लें। अच्छा जी इस तरीके से एक ये वायलेट में भी एक मेल हाथ आया है, ये वायलेट पैलेट है। ठीक है जी, ये वायलेट पैलेट है, और इसमें मेरे पास एक पार्कली पैलेट मेल हाथ आया है इस साल, ये देखते हैं, ये पार ब्लू पैलेट। ठीक है जी, और बाकी जो बर्ड हैं उनमें कुछ मेल ब्लू के स्प्लिट हैं, ब्लू स्प्लिट हैं दो मेल पैलेट के। आए मैं आपको पहले कलच के एक का रुका बच्चे रोके थे वो भी दिखाऊंगा। एक ये पहले कलच का मेल है ग्रीन पैलेट स्प्लिट पार ब्लू और ब्लू, ये पहले कलच का मेल है। इस तरीके से एक स्प्लिट तो बहुत काफ़ी सारे हैं, मैं आपको विजुअल बर्ड दिखा देता हूँ। स्प्लिट में तो इतना कोई फास्ट चार्मिंग नहीं होती। एक ये बर्ड तैयार हुआ है, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे उम्मीद नहीं थी, अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दी। ये देखें, ये ओलिव वायलेट ओलिव ग्रीन यूविंग पैलेट है, और आप इसकी क्वालिटी चेक करें माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत बर्ड है।
अगर कैमरे की आंख से कैप्चर कर पाए, कलर क्वालिटी साइज हर चीज का बहुत खूबसूरत है। देखें आप कितना लाजवाब बल निकला, और हो सकता है ये स्लेटी भी हो क्योंकि इसकी रंप नजर नहीं आती, तो हो सकता है स्लेटी भी हो। तो ये बहुत ही खूबसूरत बर्ड प्रोड्यूस हुआ। अब आप इसके टेक्सचर को देखें, ये ओलिव ज्यूबिंग पैलेट, ठीक है जी। एक बार ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है, इसी के साथ एक ये वायलेट ग्रीन का मेल तैयार हुआ है, स्प्रिट ऑफ लाइन स्प्लिट पैलेट। ये जितने भी इसके अंदर मेल घूम रहे हैं वायलेट ग्रीन के, ये स्प्रिट ऑफ लाइन स्प्लिट पैलेट है। एक बार ये भी इसमें तैयार हुआ है, ये भी वायलेट ग्रीन स्प्रिट ऑफ लाइन स्प्लिट पैलेट है। इस तरीके से एक बार इसके अंदर स्लेटी है, ये स्लेटी बर्ड है, ये भी स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट पैलेट है। बहुत खूबसूरत बर्ड है, अभी मोल्ड कंप्लीट कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत बर्ड है, बताते हैं खुद भी कलर बहुत खूबसूरत है और स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट पैलेट भी है, तो इसकी वजह से भी जो है ना इसकी अपनी एक अलग ब्यूटी है। तो इंशाल्लाह ताला इसको भी इस साल ब्रीडिंग पर डालेंगे तो आपको इसके रिजल्ट दिखाएंगे। इस तरीके से जो सबसे आखिरी बर्ड में दिखाना चाहूँगा वो ये मेरी ब्लू पैलेट की फीमेल है, वो बड़ी फीमेल की बेटी है और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा साइज ग्रो किया है। तो ये था नाजरीन मेरा पैलेट की ब्रीडिंग परफॉर्मेंस का कुछ रिजल्ट। इंशाल्लाह ताला साथ आइएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कराइए और आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द आएंगे एक नए आजम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।